अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फोर स्टार किचन। दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से हों, अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और आप सब के साथ एक हदीस पाक शेयर करूँगी, वो इस तरह से है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स घर से निकलता है किसी भी मकसद के लिए और ये दुआ पढ़ता है, बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, तो एक फरिश्ता कहता है, तू अपने मकसद में कामयाब हो गया और शर से महफूज हो गया। अल्लाह ताला हम सबको और आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं आप सबके साथ एक ड्रिंक शेयर करने लगी हूँ, जो कि फ्रेरो बॉल से बनाया जाएगा और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का बनता है। और बच्चों को भी, जो बच्चे दूध नहीं पीते उनको भी बनाकर दीजिए, उनको भी पसंद आएगा। आजकल बच्चों को छुट्टियां भी हैं, गर्मियां भी हैं और वो शौक़ से एंजॉय करेंगे। और चले इसकी तैयारी करते हैं। फ्रेरो शेक बनाने के लिए हमें फ्रेरो बॉल चाहिए होंगे, जो कि मैं दो ग्लास बनाऊँगी और एक ग्लास में दो बॉल जाएंगे। और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितने मर्ज़ी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें फ्रेरो बॉल ऐड करूँगी और आइसक्रीम अपने फ्लेवर की कोई भी ले लें। मैं तकरीबन 4 टेबलस्पून आइसक्रीम ऐड करूँगी और 2 टेबलस्पून थिक क्रीम है जो इसमें ऐड करूँगी, और चॉकलेट वेफर्स जिसको मैंने क्रश कर लिया है वो इसमें स्प्रिंकल करूँगी लास्ट में, और चॉकलेट स्प्रेड है जो मैं ग्लासों को अंदर से इसको डेकोरेट करूँगी। आइस क्यूब इसमें जाएंगे और चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, अगर आपकी मर्ज़ी है। मैं थोड़ी सी ऐड करूँगी और दूध चाहिए होगा इसकी तैयारी के लिए। चलिए अब हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं। कि मेरे पास 2 ग्लास दूध है, मैं थोड़ा सा दूध इसमें ऐड करूँगी और ये बॉल इसमें ऐड कर दूंगी। तो फ्रेरो के बॉल है, पहले थोड़े से दूध में अच्छी तरह इसको मिक्स करूंगी ताकि अच्छी तरह से ये शेक हो जाए। फ्रेरो बॉल जो है वो अच्छी तरह शेक हो चुकी है। अब 4 टीस्पून मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी, आप अपनी मर्जी से जितना दिल चाहे आप डाल लीजिए। आइसक्रीम 4 टेबलस्पून आइसक्रीम आप कोई सी भी ले लें। अब ये 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम है जो मैं इसमें ऐड करूंगी। अब अच्छी तरह इसको फिर शेक करूंगी। आइस क्यूब इसमें ऐड करेंगे क्योंकि ये चिल्ड ही अच्छा लगता है। और बाकी का दूध भी इसमें ऐड कर देंगे। दोबारा से इसको शेक करेंगे जब तक आइस की आवाज आना बंद हो जाए, उस वक्त तक इसको शेक करते रहेंगे। मेरे पास ये सर्विंग ग्लास है, ये चॉकलेट स्प्रेड से इसको थोड़ा थोड़ा डेकोरेट करेंगे। इसी तरह पूरे ग्लास को हम हमारा ये फ्रेरो शेक बिल्कुल रेडी है। बहुत ही यमी यमी सा बना है और बहुत ही ज्यादा मजे का है। आप अपने बच्चों के साथ, अपने मेहमानों के साथ इसको एंजॉय कीजिए। हम लगे हैं इसको एंजॉय करने। और मुझे दुआओं में याद रखिए। और अल्लाह हाफिज़ कहने से पहले आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल के बटन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।